आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए मझौली डकैती कांड का आखिरकार पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मझौली पुलिस ने सराफा कारोबारी की दुकान में डकैती डालने वाली गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 20 लाख का माल भी बरामद किया गया। हालांकि पुलिस को गैंग में शामिल अन्य सदस्यों की तलाश है। पुलिस की माने तो मझौली में हुए डकैती कांड में अंतरराष्ट्रीय गैंग पारधी गैंग का हाथ है। इसमें कुल 13 लोगों ने मिलकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि इस गैंग ने मझौली की प्रतिष्ठित सराफा दुकान गीता ज्वेलर्स की दुकान में धावा बोलते हुए वहां सो रहे सराफा कारोबारी के पुत्र पर जानलेवा हमला कर 2 किलो सोना, 30 किलो चांदी व 60,000 रुपए कैश लूट ले गए थे। मामले में सीधी एसपी के निर्देश पर एडिशनल एसपी अंजू लता पटले के नेतृत्व में 10 टीमें गठित की गई थी, जिनके अथक प्रयासों के बाद अब पुलिस ने सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया है। मामले का खुलासा करते हुए सीधी एसपी पंकज कुमावत ने बताया कि वारदात में पारधी गैंग का हाथ था, जिसमें कुल 13 सदस्यों ने मिलकर डकैती की इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गैंग उमरिया व कटनी जिले में डेरा जमाए हुए है, जिस पर उमरिया व कटनी पुलिस की मदद से पारधियों की बस्ती में दबिश दी गई, जहां से सभी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग कर हुए, जबकि टीम का एक सदस्य पकड़ा गया जिसकी पहचान बूढ़ा सिंह के रूप में की गई, जिसका वारदात में शामिल होना पाया गया। पुलिस ने पकड़े गए बूढ़ा सिंह की निशानदेही पर नीलम पारधी, लेखाबाई, चुनकाबाई, जीतू पारधी, विश्वनाथ उर्फ विष्णु पारधी, विजय पारधी, संजय गोड़ को गिरफ्तार किया है। पुलिस के हाथ लगे आरोपी बूढ़ा सिंह ने पूछताछ में कुल 13 सदस्यों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना बताया, जिसके सभी नामों का खुलासा किया जा चुका है। बताया गया कि सभी आरोपी पारधी जाति के हैं, जो प्रदेश के विभिन्न जगहों अशोकनगर, रायसेन, भोपाल, उमरिया के साथ साथ दूसरे राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से संबंधित हैं। पुलिस ने मामले में अब तक लूटी गई संपत्ति में से 13 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना एवं 35,000 रुपए नकदी बरामद की है, जिसकी कीमत 20 लाख रुपए आंकी गई है। Thank you.